नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिलौर के अधीन आते लाडोवाल टोल प्लाजा को लुटेरों ने बनाया निशाना, 23,50,000 रुपए की नकदी लूट हुए फरार। जालंधर के जनक नगर में नशेड़ियों ने कुत्ता घुमाने आई लड़की को जबरदस्ती नशे का लगाया टीका। इलाका वासियों ने दो नशेड़ियों को पकड़कर की छितर परेड। जडियाला गुरु के गांव बंडाला के नजदीक गत रात्रि ड्रेन में 100 फीट लंबी आई दरार। नौजवानों ने 5 घंटों की कड़ी मशक्कत से दरार को भरा। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के फिलौर के अधीन आते लाडोवाल टोल प्लाजा के कर्मचारी की गाड़ी को घेर कर उससे लगभग 23,50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए टोल प्लाजा के कैशियर सुधाकर सिंह ने बताया कि वह रोजाना की तरह बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जा रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी फिलौर ओवर ब्रिज के नीचे पहुंची, तभी एक ब्रीजा कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, जिसके बाद गाड़ी से हथियारों सहित 5 लोग निकले और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान लुटेरे 23,50,000 रुपयों की नकदी छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे DSP फिलौर जगदीश राज ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे सब डिविजन में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन मिली है कि टोल प्लाजा लुधियाने वाले ने अपना जरा सैटरडे संडे का कैश ही बैंक जमा करा रहे थे। चलान जा रहे थे जिते रिपोर्टिंग हुई है भी 5 बजे जे कोई बंदे ने जे एक कार से आए ने तो खो के लै गए ने। तो हूँ इन बयान लैके परचा रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यह दस 2,50,000 रुपये से ये सिर्फ एक ड्राइवर से एक बंदा नाल कोई सिक्योरिटी मुलाजम इन्हों बिल्कुल नहीं है। तो सो अं इन्वेस्टिगेट करना है, बहुत जल्दी जो दोषी अरेस्ट कर रहे हैं। हाले इन्होंने बयान अपने लिखाए नहीं है, जो जो लिखा सारी इन्वेस्टिगेशन की गड्डी कही सी जी, तो एक कार मगरों आई है, वो पिछे नलका लगा वा उत्थे उन्होंने गड्डी रोकी है। 5 जने से कहते वह मुंडे मेरे कोई यार दोस्त खड़े से, उन्होंने मैंने दसिया वा वो 5 जने से। इन्हों तो कोई पैसे पूसे का बैग बुक होके लैके गए आ। ये बलैरो गड्डी है जी, टूल टैक्स वाले की गड्डी है। टूल टैक्स वाले की गड्डी है। वो 5 जने से जी। मेरा नाम सुधाकर सिंह है, लाडोवाल टोल प्लाजा पे कैशियर हूँ। मैं हमेशा की तरह आज भी कैश जमा कराने के लिए निकला था और ये फिलौर ब्रिज ओवर ब्रिज के नीचे मैं जैसे ही गाड़ी ले रहा था, मेरे एक व्हाइट कलर की ब्रेजा मेरे को ओवरटेक किया, ओवरटेक कर रही थी, ओवरटेक करके मेरे गाड़ी के सामने गाड़ी लगाया। 5 बंदे थे, वो हथियार के साथ थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और सर पिस्टल लिया था उन्होंने, एक गन ले रखा था और उसके बाद सर एक कटारी ले रखी थी, कटारी को सर कांच पे भी मेरे गाड़ी के कांच पे भी मारा उन्होंने। हमने गाड़ी बैक लिया लेकिन भागने की कोशिश किया लेकिन भाग नहीं पाई, पीछे से गाड़ी आ गई थी, ट्रैफिक लग गया, गाड़ी बैक भी नहीं हो पाई। कैश सर 23,50,000 के आसपास था, एग्जैक्ट तो नहीं पता अभी सिस्टम में देखने के बाद, हाँ 23,50 के आसपास था। पुलिस वाले आ गए? हाँ अभी पुलिस वाले आ गए हैं, अभी कार्रवाई चल रही है सर। आगे गाड़ी में कितने लोग थे आपकी गाड़ी में? मेरी गाड़ी में 2 लोग, मैं और मेरा ड्राइवर। हाँ और बाकी अभी पुलिस कार्रवाई हो गई सर, पुलिस आ गई है, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग। जालंधर शहर में नशेड़ियों की एक अजीब करतूत सामने आई है, जिसके चलते बस्तियात क्षेत्र में पड़ते जनक नगर में कुत्ता घुमाने निकली एक लड़की को नशे का टीका लगा रहे युवकों ने पकड़कर जबरदस्ती उसे भी नशे का इंजेक्शन लगा दिया। लड़की उनके चंगुल से छूटकर जब घर पहुंची तो वह बहुत सहमी हुई थी और परिवार वालों को नशेड़ियों की सारी करतूत बताई, जिसके बाद मोहल्ला वासियों ने नशे के आदि 2 युवकों को घेर कर पकड़ लिया और उनकी छितर परेड करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया।
इस दौरान मोहल्ला वासियों ने कहा कि यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। ऑटो में सवार होकर टोलियों में यहाँ पर युवक आते हैं और चिट्टे का नशा सरेआम करते हैं। कई बार पुलिस को भी बता चुके हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। वहीं इस मामले में DCP हरविंदर सिंह विर्क से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस संबंध में DSP वेस्ट से संपर्क किया है और उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं है, फिर भी मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 2 महीने तो जी 10 से 15 बंदे डेली आके ड्रेस कर देने और बेचते भी है, खाते भी है, पीते भी है। उन्होंने बड़ी बड़ी कोशिश की आप ध्यान समझा दी क्योंकि वो साडा उल्टा नुकसान करते सी। महल वाले डरन तो बावजूद असी एक दो बारी थाने कंप्लेट की, थाने वाले सू यही कि जो उ बैठन उन्होंने अपना नंबर दिता कि उस टाइम सू फोन करो, लेकिन हों की उस टाइम कलोनी में कोई भी आदमी नहीं होंगे, वो अपना काम करके 8-8:30 बजे निकल जाते हैं। आप उस तो बाद अच की होया कि इन्होंने ड्रग्स करते पे से अपनी गुड़िया कुत्ते घुमाने वास्ते बाहर निकली है, उनका मुँह बंद किया है। उस तो बाद बुआ घुमा के अपना टीका उन्हें बुआ के उत्ते ला दिता है, जोड़ा कि गुड़िया उत्तर भज के अपने घर चली गई है। बाकी आप खप पैन के उत्ते सारे महल वाले कट्ठे हुए हैं। उस तो बाद की किया जी, इन्हों 2 बंदे तो काबू हो गए हैं, बाकी जो 7-8 बंदे से मोटरसाइकिल लैके चले गए। नहीं जेड़े जेड़े मुंडे नशा करते हैं रोज आते हैं, डेली आते जी, 1 महीने सारे CC कैमरे दिखा दें। कुड़ी टीका लाने का कारण की है? कुड़ी बस नशा किया जी, उन्होंने कोई होश ही नहीं, अपनी होश नहीं, देखो दोनों ने फड़िया। कुड़ी डोगी घुमा रही थी, कुड़ी डोगी अपने घर तो बाहर निकली, लैके सैर करवाने निकली। की लगता है कि कुड़िया महफूज ने? बिल्कुल नहीं, इतने असी कुछ नहीं कह सकते, साढ़े बच्चे कुछ खुद देख के करते कि पापा की करते हैं, रोज टीके लाते हैं, असं आप डरते हैं कि साढ़े शीशे तोड़ देते हैं, बारियां तोड़ देते हैं। नशे के इंजैक्शन देखो लगाते हैं, पर इस महल च कोई भी असं अपने मकान च रह के भी मतलब कि सेफ नहीं है, मतलब कि असं बच्चे अद्धी रात बाहर ही नहीं निकाल सकते, 8-9 बजे तो बाद बच्चा नहीं बाहर आ सकता, मतलब कि असं कितने जाइए। मतलब कि साढ़े महल देखो कि इधर झुग्गिया वाले हैं, इधर नशेड़ी है, साडा मतलब कि साड़ी कलोनी सारी नशेड़िया में चीक साहब है, तो असं चाहते हैं भी साड़ी कलोनी का कोई ना कोई सुधार होवे। मतलब कि असं बहुत अज इन्हों की बेटी होया, कल साड़ी बेटी ना भी हो सकता है। इस वीडियो संबंधी जी है, मैं साढ़े DSP जो वेस्ट है उन्होंने जोड़ा है संपर्क किया, उन्होंने गाइडलाइनस दिखाई, परंतु जी मुढ़ली पूछगिछ तो पाया गया कि इस तरह की जी मौके पर DSP जो SHO है उत्थे जाके उन्होंने वेरीफाई किया, इस तरह की कोई गल सामने नहीं आई कि जिते कोई टोलिया के बना के बैठते हैं। अगर फिर भी उत्थे कोई किसी की कोई पर्टिकुलर शिकायत आती है तो जो एड्रेस किया जाए, जे कोई इस तरह की जी कोई कंप्लेट आती है तो जो स्ट्रिक्ट एक्शन लैन वास्ते जो मेरे वालों जड़िया ने ACP वेस्ट के होर जो सारे संबंधित अफिसर ने हदायत जारी की। गत रात्रि जंडियाला गुरु से थोड़ी दूर गांव बंडाला के नजदीक गुजरती ड्रेन की सफाई ना होने के कारण लगभग 100 फुट लंबी दरार आ जाने के कारण किसानों की लगभग 150 एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है। इस दौरान गांव वासियों को जब इस बात का पता चला तो वे बड़ी संख्या में दरार वाली जगह पर पहुंचे, जहां नौजवानों द्वारा 4 से 5 घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद 2,500 मिट्टी की बोरियां डालकर दरार को भर दिया गया। गांव वासियों ने बताया कि अगर वे जल्द ही इस दरार को ना भरते तो लगभग 500 एकड़ से ज्यादा धान की फसल बर्बाद हो सकती थी और लोगों के घरों में पानी जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस सारी घटना का जिम्मेदार प्रशासन है क्योंकि लंबे समय से इस ड्रेन की सफाई नहीं हुई है। इस बारे में ड्रेन विभाग प्रशासन को लिखित शिकायत की गई है, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि ड्रेन की सफाई करवाई जाए और उनकी खराब हुई धान की फसल का मुआवजा भी दिया जाए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जी राती नहीं टुटी, पहला भी टुटी सी, प्रशासन असं जो है ड्रेन विभाग असं काफी टाइम किया कि इहदी जिहड़ी हैगी आ अपनी मरम्मत की जाए कि मिट्टी वगैरह पा के इहनूं जिहड़ा वा कि इहदा जिहड़ा हैगा सीगा गला इहनूं पूरिया जाए, पर वो आए सी 1-2 वारी ते पर कह के चले गए भी असीं करांगे करांगे, पर कोई नहीं। हुण असीं ग्राही करके ते 2 पोरे मंगाए सीगे भी चलो पोरे लगाने, जदों कोई ज़्यादा पानी हो जांदा ते चलो इधरों निकल जाया करेगा, ते उहदे विच की है कि पोरे लिआंदे सीगे ते फिर उस तो बाद उन्होंने किया कि सानूं ड्रेन ही प्रोवाइड करवा दो क्योंकि क्रेन इत्थे आंदी नहीं सी कोई भी, क्योंकि इधरों हालत खस्ता होण करके कोई लंघण नूं राजी नहीं सीगा, ते उन्हां नूं किया कि असीं निकवा लांगे ट्रैक्टर दे नाल जां किद्दां करके, ते पर उन्होंने वह भी नहीं प्रोवाइड कराई कि डीजल भी असीं चलो खर्चा असीं ग्राही करके असीं जां किद्दां दे दांगे, ते पर प्रशासन की बड़ी तड़ी अणगहली है जिहदे नाल कि हुण पिछे वेखो तुसीं घट्टो घट्ट वी ज़्यादा 60-70 किले जिहड़े पाणी दे नाल डुब गए आ, ठीक है जी।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਰੋਈ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪੁਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਖੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਖੜਾਈ ਇਹਦੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ 500-400 ਕਿੱਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੜਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਰੇਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹਦੀ ਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋ ਰਕਸ਼ਾ ਮਹਾਸੰਘ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਥਾਓਂ ਨੇ ਮਿਲਕਰ ਗਾਏ ਮਾਤਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗਾਏ ਕਾ ਦੂਧ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨਕੋ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਖਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਆ ਜਾਣੇ ਸੇ ਹਾਦਸੋਂ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਔਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਮੇਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਮੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕੋ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਸਭੀ ਦੂਧ ਕੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਜਿਨਮੇਂ ਪਸ਼ੂਓਂ ਕੋ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੱਦ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸੂਖ ਰੱਖਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਜ ਵੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਦ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਮ ਧੜੱਲੇ ਸੇ ਵਹੀਂ ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। वहीं इस मौके पर पहुंचे कारपोरेशन के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किरण कुमार चीफ जेपी बब्बर ने भी संघ को भरोसा दिया कि कल ही यह लिखित कार्रवाई की जाएगी कि शहर के अंदर जितनी भी डेयरी चल रही हैं अगर उनका कोई भी पशुधन सड़कों पर आता है तो वे वापस नहीं किया जाएगा, और 100 के करीब गैर डेयरी वालों पर बनती कार्रवाई की जाएगी एवं इसके लिखित आदेश संघ को दिए जाएंगे। वहीं पंजाब पुलिस ने भी भरोसा दिया है कि जिस किसी भी डेयरी वाले की गाय सड़क पर नजर आई उस पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज जी ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਊਆਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗਊ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨ 200-400-500 ਦਾ ਜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਫਾਫੇ ਖਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਗੋਹੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਚਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਫਾਫੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਨੇਤਾਓਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਮੇਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਮੇਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਫੂਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਏ ਗਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ 1906 ਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਉਨਕਾ ਜਨਮ ਹੁਆ ਥਾ ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਥੀ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਨੇ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗ
योगदान है। इस मौके पर जिला प्रधान हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि हम सबको शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए और देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमर बलिदानी शहीद आजम चंद्र शेखर आजाद जी के जन्म दिहाड़े से सारे देशवासियों मैं बहुत बहुत लख लख बधाई देना वहाँ। अज इस दिहाड़े से साडे जिला प्रधान हरविंदर सिंह संधू जी, उप प्रधान परमजीत बत्रा जी और मेरे नाल युवा नेता माधव जी आए ने। मैं अज दे इस दिहाड़े से सारे शहर वासियों नूं लख लख बधाई देना वा। सानू इन्हां दे बलिदान नूं नहीं भुलाना चाहिए, इन्हां नूं याद रखना चाहिए। अज दे इस दिहाड़े ते उन्हां नूं पुष्प अर्पित करके असीं उन्हां नूं एक नमन किया। अज असीं पंडित चंद्र शेखर आजाद जी का जन्मदिन मनाने आए हैं। सो अज भारतीय जनता पार्टी के आपां बत्रा मेरे नाल मेरे महामंत्री संजीव जी, उप अध्यक्ष साढ़े परमजीत सिंह बत्रा जी, ये गौतम, ये युवा मोर्चा माधव जी युवा मोर्चा तो। सो अज अं सारे जने इत्थे चंद्र शेखर आजाद जी की इत्थे मूर्ति दे उत्ते पुष्प अर्पण करन आए हैं। तो उन्होंने जन्म दिवस से असी ये समझते हैं कि सारे सानू एक उपदेश भी उन्होंने तो जो मिलता है, जो उन्होंने संघर्ष किया असी उन्होंने ऋणी हैं, सारे भारतवासी उन्होंने ऋणी हैं। सो अज सारे आपां इन्हां दा जन्मदिवस मनाउणा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पर यूथ वेलफेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से चेयरमैन प्रमोद भाटिया की अध्यक्षता में सिंगिंग शो ये शाम मस्तानी सीजन 11 का आयोजन किया गया, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना पर फिल्माए गए गीतों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर चेयरमैन प्रमोद भाटिया ने कहा कि ये सिंगिंग शो पिछले 11 वर्षों से करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना की यादें सारी इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना अमृतसर से हैं, इसलिए उनकी याद में स्मारक बनाना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 11 सीरीज 11 साल तो लगातार असी ओ सुपरस्टार जिहड़ा पहला साडे देश दा सुपरस्टार सी राजेश खन्ना, जिहदियां यादां हर एक नाल जुड़ियां हैं। अज भी असी उस यादां दे नाल चलदे हां, क्योंकि जो राजेश खन्ने ने फिल्म इंडस्ट्री नूं दित्ता शायद ही कोई दे सकता हो। सो जदों दी उन्होंने डैथ हुई, वो डैथ एनिवर्सरी हर एक डैथ एनिवर्सरी से असी उन्होंने श्रद्धा के फुल पेट करने हैं, उन्होंने फरमाए हुए गीतों के उन्होंने श्रद्धा के फुल पेट करने हैं। गीतों के नाल ये साढ़े दूर दराज हिंदुस्तान तो इतों तक के हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग संस्थाओं तो लोग पहुँचते हैं आ के इस प्रोग्राम हिस्सा लेंदे ने। अज साडा 11वां प्रोग्राम लोगों की बहुत फरमाइश सी, क्योंकि कोविड के टाइम से असी यह प्रोग्राम थोड़ा डिले कर दिता जी, पर असी इस दिन उन्होंने अपनी यादा श्रद्धा के फुल भेट करते सी। फिरोजपुर के रामबाग फिरोजपुर छावनी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने अपने साथियों सहित इस बैठक में अपने अपने विचार प्रकट किए। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि यह बैठक राष्ट्रीय विरोधी लोगों को चेतावनी देने के लिए की गई है। इस बैठक में नशा तस्करों और धर्म विरोधी लोगों को किस तरह रोकना है, इस पर विचार किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय विरोधी लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रधान हरीश गोयल ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर देश को बुलंदियों तक ले जाएंगे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की ये 2 दिन की पंजाब प्रांत की बैठक थी, इसमें जिला स्तर और उससे ऊपर के लोग आए थे, और इन 2 दिनों में हमने पंजाब की परिस्थितियों का मनन किया है, अध्ययन किया है, कैसे नशाखोरी रोकी जाए, कैसे धर्मांतरण को रोका जाए, कैसे राष्ट्र विरोधी शक्तियों को परास्त किया जाए, और आज उसका समापन कार्यक्रम था। समापन कार्यक्रम में निश्चित तौर पर ये स्वाभाविक इच्छा यहाँ के लोगों की भी रहती है कि जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है, उसमें अखिल भारतीय लोग आ रहे हैं, तो एक बार हम लोग भी उनसे मिलें। तो आज फिरोजपुर शहर के अच्छी बड़ी संख्या में नागरिक यहाँ पर आए थे, सभी प्रबुद्ध लोग थे, और हम सब ने मिलकर यही मंथन और मनन किया है कि हम कैसे देश को आगे ले जाएं और एक नए भारत का निर्माण करें। आज 2 दिवसीय विश्व हिंदू परिषद का प्रांत की बैठक थी,
जिसमें विश्व हिंदू परिषद के षष्ठी पुष्टि वर्ष मनाने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष हो गए हैं। इस जन्माष्टमी से लेकर जन्माष्टमी 2023 से लेकर जन्माष्टमी 2024 तक ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। इसमें जो जो देश में चुनौतियां हैं, धर्म परिवर्तन की है या इस तरह की कोई भी जो संस्थाएं विदेशी ताकतें हिंदू धर्म पर प्रहार कर रही हैं, उनको रोकना हमारा विशेष तौर पर विषय रहेगा। इसमें पूरे भारतवर्ष में ये कार्य किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता संगठित होकर ये कार्य करने को तैयार हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के निर्माण कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले श्री देवीतला मंदिर के पूर्व प्रधान एवं फाउंडर मेंबर स्वर्गीय लाला बैजनाथ गुप्ता की 36वीं तथा उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सरला गुप्ता की 11वीं बरसी पर श्री देवीतला मंदिर परिसर में कमेटी के वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता के परिवार की तरफ से खीर तथा मालपूड़े का विशाल लंगर लगाया गया, जिसका शुभारंभ श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, उद्योगपति प्रमोद सिंगला ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस अवसर पर अमिता गुप्ता, अभिनव गुप्ता, शीना गुप्ता, माधव गुप्ता, आध्या गुप्ता, नूपुर गुप्ता, जितेंद्र अग्रवाल, आभा अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, रमन शर्मा सहित मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। याद करते हुए आज का पावन दिन साढ़े बुधारे हैं, मैं उन्होंने स्वागत करता हाँ। अज 36 साल हो गए उन्होंने भी, अब 36 ने बोली की हैगी है। अभी माँ के दरबार से उन्होंने भी लगाते आ रहे हैं, माँ उन्होंने बूटा उन्होंने का लगा हुआ है। लाला गाजनाथ गुप्ता जिन्हें पुराने सेवादार से मिलते थे, लाला द्वारकादास सहगल, श्री अमृतदास सहगल जी, लाला किशोरीलाल गुप्ता जी, होर गुरूलाल गुप्ता जी, जिन्हें भी पुराने सेवादार मंदिर के रंगी चलाने मंदिर में इस हालत पहुँचाया कि महादुर है पुराने सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के राष्ट्रीय प्रधान स्वामी कृष्णानंद महाराज के आशीर्वाद से 40 दिवसीय श्री तुलसीदास जयंती महोत्सव करवाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि श्री देवीतला मंदिर से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस मौके पर उपस्थित भक्तों ने संकीर्तन कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर स्वामी अजयनंद, पंकज, नरेश शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Jai Ram 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 Jai Ram
वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देवी कलामा में 40 एशिया अजोजन जिसका आज पांचवा ये गोस्वामी तुलसीदास महाराज का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जो अति जरूरी है अगर हम उनकी सोच के अनुसार आज नहीं चले तो बहुत देर हो जाएगी। बच्चे से भूल जाते हैं, माता को फिक्र होता है कि बच्चा लेट ना हो जाए, उसे सुबह सुबह जल्दी उठाना। विचार करो क्या आज हम जागे हुए हैं या सोए हुए। अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो जो अधर लोग हैं वो हमें सोते सोते ही दबा लेंगे। धर्म को जगाने आए हैं, बच्चों के संस्कारों को बचाने आए हैं। अगर आज हमने अपने बच्चों के संस्कारों के बारे में विचार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी हमारे घर से बाहर। इसलिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। स्वामी जी के संकल्प को हम सब मिलकर सिद्ध करें तो अधिक से अधिक समा देवी कलामा में पहुंचने की कृपा करें।